सना मकबूल के बराबर कपड़े पहुंच रहे, ऐसा क्यों? अभी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो क्या सना मकबूल को बिग बॉस के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पायल मलिक और चंद्रिका दीक्षित का कोलैब हुआ घर से निकलने के बाद, और यहाँ पर कल के व्लॉग में वो दोनों मिली थी एक दूसरे से, जहाँ पर कि चंद्रिका दीक्षित का ऐसा कहना है कि जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकली तो वहाँ पर उनके ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे, साथ ही अरमान मलिक के भी कपड़े और जूते पड़े हुए थे, पर बिग बॉस वाले हमारे कपड़े और जूतों को घर के अंदर भेज ही नहीं रहे थे। वहीं बात करें सना मकबूल की, तो उनको जब भी ज़रूरत हो रही थी, मतलब हर वीक उनको नए नए कपड़े और जूते घर में और सैंडल्स आ रहे घर के अंदर, पर वहीं मेरे अरमान भैया के हमारे कपड़े को बिग बॉस तक तो पहुंच गए, पर बिग बॉस वाले घर के अंदर भेज ही नहीं रहे थे। और इसके बारे में चंद्रिका दीक्षित का कहना है कि सना मकबूल को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा बिग बॉस की तरफ से, जबकि बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। डिमांडिंग करी थी भाई, चप्पलें नहीं आ रही है, ड्रेसेस नहीं आ रही, जब मैं बाहर निकली हूँ मुझे अपना पूरा ड्रेस का ऐसा कैसा बाहर रखा हुआ मिला है। अरमान भैया का भी पूरा सामान बाहर रखा होगा, वो अंदर नहीं भेज रहे। आई थिंक या तो वो इंसान को शॉर्ट टेम्पर करना चाहते हैं कि यार वो बंदा मांगते मांगते इतना इरिटेट हो जाए कि वो कुछ और हंगामा। और एक बात बता, बाकी सर कंटेस्टेंट के कपड़े नहीं पहुंच रहे, पर सना मकबूल के बराबर कपड़े पहुंच रहे, ऐसा क्यों? अभी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात है। मैं यहाँ से इतने पैसे खर्च कर करके जो है कपड़े बेच रही हूँ और कपड़े वहाँ पे मिल ले रहे हैं, फिर वहाँ से बात आती। अब ये तो हो गए पायल मलिक और चंद्रिका दीक्षित की बात, पर वहीं बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक का ये मानना है कि सना मकबूल के साथ तो और भी बुरा बिहेवियर देखने को मिल रहा बिग बॉस की तरफ से, क्योंकि कोई भी ऐसा वीकेंड का वार नहीं गया जहां पर कि सना मकबूल को डांट नहीं मिली हो और उनके साथ बिग बॉस की तरफ से गलत व्यवहार देखने को न मिला हो। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डांट मिली है हर वीकेंड के वार पर, ऐसा कहना है फिलहाल पब्लिक का। आपको क्या लगता है, सना मकबूल को बिग बॉस के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर ये दोनों मिलकर बिना मतलब का वाहियात अफवाहें फैला रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।